गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डानन्दबोधेन शिष्यसन्तापहारिणे परमानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। बन्दा गुरुपदकञ्ज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय भगवान श्री सद्गुरु महिमा। को कर्म फल निर्धार को जन्म हेतु विचार। जन्म का हेतु क्या है वो जन्म हेतु विचार सद्गुरुदेव भगवान ने जो बाल गोष्ठी बनाई उसमें प्रश्न किया जन्म का हेतु क्या है। उत्तर दिया है कर्म फल निर्धार। कर्म के आधारित जन्म मिलता है। हमने जैसे कर्म किए उसका हिसाब हो गया हमें नया जन्म प्राप्त होता है। अपनी संस्कृति में पुनर्जन्म और पूर्व जन्म को मान्य रखा है और हकीकत है। माँ सती जी सती मरत हरि सनवर मांगा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा तेही कारण हिम गिरिग्रह जाई जन्मी पार्वती तन पाई। सती जी ने अंत समय में जन्म जन्म शिव चरण में प्रीति की याचना की उसी के कारण दूसरा जन्म हिमाचल महाराजा के यहाँ पार्वती जी के रूप में प्रकट हुई। जैन थियरी पूरी कर्म पर आधारित है। रामचरितमानस जी में भी कर्म का बहुत ही विवरण है। कर्म का फल तो सबको मिलता ही है और मिलता ही रहेगा। रामचरितमानस आधारित करे जो कर्म पाव फल सोई निगम नेत्यस कह सब कोई। काहु न को सुख दुख कर दाता निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। तो कर्म का सिद्धांत तो है ही भाई बहन। हम जैसे कर्म करेंगे वैसा दूसरा शरीर मिलेगा। हम किसी से ना डरें। कर्म करते 100 बार सोचना चाहिए कि इसका परिणाम क्या है। सद्गुरुदेव भगवान हमें सत्कर्म में लगाते हैं सत्कर्म के निमित्त बनाते हैं। हमारा जीवन सफल हो हमारा जन्म सफल हो। 1956 या 57 की बात है जब मेरी उम्र छोटी थी 14-15 साल की थी मैं जब हम जयपुर रहने को ही गए थे तो पुष्कर जी में सद्गुरुदेव भगवान ने चतुर्थी मनाई। तब हम लोग गए थे सब तो सद्गुरुदेव भगवान ने प्रश्न किए थे कि अपनी अपनी समझ के अनुसार मुझे इस प्रश्नों का उत्तर लिखना सब लोग। जन्म क्यों जन्म का हेतु क्या जन्म का फल क्या ये 3 प्रश्न किए थे। तब तो रामचरितमानस जी मैंने कभी पढ़ी नहीं थी तो जैसी समझ थी बुद्धि के अनुसार उत्तर लिख के पिताजी को दिया भेज देना। और पिताजी तो मानस पाठ करते थे तो गुरुदेव का जवाब आया आपका उत्तर यथार्थ है और रमा का उसकी उम्र के हिसाब से ठीक है। जन्म क्यों अयोध्या कांड में भरत जी वशिष्ठ जी से कहते हे प्रभु हे गुरुदेव जन्म हेतु सब कह पितु माता कर्म शुभाशुभ देहि विधाता।
माता पिता की वासना, उनके पिंड से हमारा ये पंच तत्व का पिंड हमको मिलता है। लेकिन सभी जीव को कर्म अपने अपने भुगतने पड़ते हैं। पहले के ज़माने में एक घर में 6, 8, 10 बच्चे रहते थे, लेकिन सबका नसीब अलग अलग। कोई पुण्यवान आत्मा है तो सन्मार्ग पर चल रहा है, किसी के कोई ऐसे कर्म है तो कुमार्ग पर चला जाता है। कोई भौतिक सुख से भी बहुत ही संपन्न है तो किसी को खाने को धान भी नहीं, एक ही माता पिता की संतान है। लेकिन कर्म शुभाशुभ दे ही विधाता, उसके कर्म के अनुसार कोई यशस्वी बनता है, कोई अपयशी बनता है, कोई गुणवान बनता है, कोई अवगुणी बनता है, तो कर्म का हिसाब है। तो आज ये मानस जी की चौपाई याद आती, सद्गुरुदेव ने भगवान ने बाल गोष्ठी में जवाब दिया है, कर्म फल निर्धार, कर्म के फल के आधारित जन्म मिलता है। आज मुझे ये प्रसंग क्यों याद आया मालूम हुआ कि भाभी का जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे टू यू। तो अचानक ही मैंने कहा चलो सद्गुरुदेव भगवान के कुछ तो कुछ मेरे पास मसाला तो चाहिए ना, तो आज आपने मुझे सब्जेक्ट दे दिया और है सद्गुरुदेव भगवान की वाणी। तो जन्म का हेतु इस पिंड का, कर्म का फल है हमको। तो जन्म क्यों कर्म के आधारित, जन्म का हेतु क्या, हम किस लिए दुनिया में आए हैं। देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम विहाई। परमात्मा ने करुणा करके हमें देवताओं को दुर्लभ ऐसा अमूल्य मानव देह दिया है, मनुष्य शरीर दिया है, उसमें मानवता का निर्माण संत सद्गुरुदेव भगवान करते हैं। कबहुक करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। कारण रहित कृपा करके परमात्मा कभी किसी जीव को मनुष्य शरीर देते। सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा, देवताओं को दुर्लभ। फिर तो हेतु तो ये रहा भजन करने का, और फिर फलित कब होगा। राम चरण पंकज जब देखो, तब निज जन्म सुफल करी ले। तो जन्म क्यों कर्म के हिसाब से, जन्म का हेतु क्या हरि भजने का, जीव ईश्वर से जुड़ा रहे। और जन्म सफल कब, जब लक्ष्य की प्राप्ति हो, जीव तरसता है ईश्वर प्राप्ति के लिए। ईश्वर का ही अंश है, जब तक अंश ही अंश में नहीं मिलता तब तक अधूरा है। हम कितने प्रयत्न करें, हाथ आड़ा रख के भी दिया सलाए हम जलाएंगे, लेकिन वो सूर्य नारायण भगवान का अंश है अग्नि, तो उसकी लौ तो ऊपर की ओर ही जाएगी। जरा सा ढलान मिला तो पानी पाताल में है, तो पानी नीचे की ओर ही अपने आप बहेगा। तो हम जीव ईश्वर के अंश हैं, तो हम कभी न कभी हमारी गति अंशी की गति अंश की तरह ही होगी अंश की गति। तो मेरे भाई बहन आज ये विषय मिला, लेकिन सद्गुरुदेव भगवान का सच्चा खजाना क्या है, उनकी महान निधि क्या है। सद्गुरुदेव क्या करोड़ोंपति अरबोंपति खरबोंपति बैंक का खाता भरते हैं है? सद्गुरुदेव भगवान तो कहते रहे याद रखना, ये शरीर छूटेगा तो तुमको मेरे कफन के लिए कौड़ी नहीं मिलेगी। ये सद्गुरुदेव भगवान के शब्द हैं। बोले कुछ इकट्ठा नहीं किया, लेकिन उनकी सच्ची संपत्ति। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। ऐसे योग्य शिष्य मिल जाए जो उनके कदमों पर चले, उन्हें जो प्रिय है ऐसे कार्य करें। धन्य है श्री अरविंद भाई, ऐसे योग्य शिष्य मिल जाएं, परिपूर्ण समर्पित और सद्गुरुदेव भगवान के आदेश अनुसार ही उनकी इच्छा अनुसार चलते हैं।
भगवान श्री राम जी वन में जाते हैं तो माँ कैकेयी जी पता चला कि माँ ने वचन मांगे हैं, तो ये भगवान श्री राम जी श्रीमुख से बोले, हे माँ, तनय मातु पितु तोषण हारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। इस संसार में ऐसा पुत्र दुर्लभ है जो माता पिता को संतोष दे। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। तो हे जननी नहीं, हे भक्त जनो, सोई शिष्य जो बड़ भागी जो सदगुरु चरण अनुरागी। सदगुरुदेव भगवान के चरणों के अनुरागी है, और ऐसे शिष्य मिलना दुर्लभ है जो सदगुरुदेव भगवान को परिपूर्ण संतुष्ट करे। मैं खोटी खुशामद या आपके बीच में हूँ, आपकी मुझे कुछ आपसे चाहिए नहीं, मैं कुछ खुशामद के लिए बात नहीं करती हूँ, लेकिन धन्य है यहाँ कि सदगुरुदेव भगवान कैसे राजी रहे, उनका क्या आदेश था, उन्होंने कैसे मार्गदर्शन हमें किया। हम जहाँ तक हो सके, हम जीव है, गलती हो सकती है, लेकिन जहाँ तक हो सके हम परिपूर्ण उनके आदेश का पालन करें, हम उन्हीं के कदमों पर चलें। ये पूरा प्रयास अपनी सारी संस्थाओं में हो रहा है। किसी को सफलता अच्छी मिलती है, किसी को थोड़ी कम मिलती है, लेकिन प्रयास तो सबका यही है। कोई ये नहीं चाहते हम सद्गुरुदेव आदेश से विमुख चले। प्रयत्न सबका है, समष्टि से व्यक्ति तक का। एक एक व्यक्ति चाहती है कि हमारे गुरुदेव ने जो हमें आदेश दिया, फिर जीव के अलग अलग समझ है, अलग अलग संस्कार है, तो कोई पालन पूर्ण रूप से कर पाता है, नहीं कर पाता है, लेकिन सबका लक्ष्य तो एक ही है कि हमारे गुरुदेव के आदेशानुसार हम चले। गुजराती में भजन है, गुजरात में बहुत गाते हैं, सद्गुरुदेव भगवान ने हमें गले में कंठी पहनाई, अब हमने कंठी पहन ली तो हम न्याल नहीं हो गए, हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। नहीं तो सद्गुरुदेव भगवान कहते रहे कहीं बार कि तुलसी की कंठी कंठ बिराजे, मस्तक शोभे हीरा, बना दास की दशा देख कर रोए दास कबीरा। बोले सब कंठी धारण कर लो और मनमाने जीवन जियो, तो मेरी दशा क्या भुगतना पड़ता है मेरे को, मेरी दशा देखकर कबीरदास जी रोए कि तूने ये क्या किया। बालगोष्ठी में भी सद्गुरुदेव भगवान ने लिखा है, को संत कर बड़ पाप, संत का सबसे बड़ा पाप कौन सा है, शिष्यादि वो अड़मा, मनमाना जीवन जीने वाले। केवल सद्गुरुदेव से नाम से अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त करें, केवल सद्गुरुदेव नाम से मौज करें, लेकिन उनके आदेश का पालन न करें, ऐसे शिष्यगण इकट्ठे हो जाएं, तो सद्गुरुदेव भगवान ने लिखा कि तो संत का बड़ा पाप है। नहीं भाई बहन, हम खूब यत्न करें, हमारी जाने अनजाने गलती हो गई, हम क्षमा याचना करें, ये गुरुदेव आप हमें अंगुली पकड़ के सतपथ पर चलाएं। रोज यहाँ प्रार्थना मुझे बहुत अच्छी लगती है, कंठस्थ तो नहीं होती है, कभी कभी बोलती हूँ ना आप लोगों के साथ, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर, हम चले नेक रास्ते पे, भूल कर भी कोई भूल हो ना, हे सद्गुरुदेव भगवान आप करुणा करना कि गलती से हम गलत राह पे न चले। बच्चा कुछ भी बुरा काम करता है तो समाज, लोग, जो भी अपने अड़ोस पड़ोस परिवार, किस पे अंगुली उठाएंगे, माता पिता पे, कि बच्चे को कैसे संस्कार दिए। आज हम गलत काम करेंगे, अंगुली किस पे जाएगी, ऐसे सद्गुरुदेव के शिष्य इकट्ठे हुए हैं। हाँ, बहुत बड़ी अपनी भी जिम्मेदारी है। सद्गुरुदेव तो करुणा के सागर हैं, उन्हें तो कृपा करके हम अपात्र होते हुए भी हमें धन्य धन्य कर दिए, लेकिन अपनी भी कुछ जिम्मेदारी, शिष्यत्व। आज मेरे भाई बहन कई जगह ना योग्य गुरु मिलते हैं, ना योग्य शिष्यत्व है। कलयुग के लक्षण गुरु शिष्यांध बधिर के लेखा,
एक न सुने एक नहीं देखा। गुरुजन सदगुरु नहीं, गुरुजन देखते नहीं है कि मेरे चेले क्या कर रहे हैं, हाँ? और चेले सुनते नहीं कि गुरुजी क्या कह रहे हैं, हाँ? एक न सुने एक नहीं दे। तो हमें ऐसे नहीं करना। हमारे सद्गुरुदेव भगवान की दिव्य वाणी प्रार्थना करते रहे, हे प्रभु हम जीव हैं, हम बहुत ही अधूरे हैं, हम खंडित हैं, लेकिन आप करुणा करके हमें संभाले रहना। सद्गुरुदेव प्रार्थना में बहुत बड़ा बल है मेरे भाई। साधना हमारे सद्गुरुदेव को कोई अंगुली न उठा। तो जो गुजराती में भजन है, कितनी जिम्मेदारी, सरल है। गुरु जी ना नाम नी हो माड़ा छे डोक मा। डोक याने कंठ, गुजराती में डोक कहते। कंठ में गुरु जी के नाम की माला पहनी। झूठू बोलाय नहीं, खोटू लेवाय नहीं, अवड़ू चलाय नहीं हो माड़ा छे डोक मा। असत्य बोलना नहीं चाहिए, हमारा अधिकार नहीं है। जो हमारे हक की चीज नहीं है वो लेनी नहीं चाहिए, उल्टे रास्ते चलना नहीं चाहिए। क्रोध कदी थाय नहीं, मेरे पास बहुत लोग आते हैं, काम क्रोध लोग प्रबल शत्रु है, तो ये तो कम लोग कबूल करते हैं कि हम लोभी बहुत हैं, हम काम ही हैं, ये कबूल तो नहीं करते हैं। लेकिन इतना अच्छा है, जो क्रोध पाप का मूल है वो कई लोग कबूल कर लेते हैं। हम भी पूरी परिपूर्ण नहीं है, हम भी तो जीव है, अधूरे। बोले आके कहते बहन हमको क्रोध बहुत आता है। क्रोध आए ना तब दरवाजा बंद करके मौन रख के बैठ जाओ, ठंडा पानी पी के आँख बंद करके थोड़ा लेट जाओ। उसके लिए समय चाहिए, थोड़ा समय होगा ना शांत हो जाए। और आमने सामने ज़्यादा बोलो मत, एक जैसे भी बोले तो उत्तर प्रत्युत्तर देने से क्रोध बढ़ता है। क्रोध के परुष वचन बल, क्रोध किसके बल से बढ़ता है? अयोग्य वाणी से। परुष वचन यानी अयोग्य अभद्र वाणी क्रोध से बचे। क्रोध के कारण अविवेक आ जा, क्रोध के कारण सद्गुरुदेव के सामने भी हम मनमाना व्यवहार करते हैं। तो ऐसे हम बचे रहे। क्रोध कदी थाय नहीं, पर ने पीड़ाय नहीं, उत्पीड़क ना बने किसी को। मन कर्म वचन से हम कई बार बोल देते हैं, आवेश में, गुस्से में, असह्य वेदना से भी हमारे मुंह से कटु शब्द निकल जाते। इसलिए गुरुदेव ने कहा सुखी होना है कम बोलना, कम खाना, कम बोलना, कम सोना और गम खाना। कम खाना, गम खाना, कम सोना, कम बोलना। मौन रखते हैं ना तो वाणी के दोष पे काबू आता है ना। बोलेंगे ही नहीं तो, बोलेंगे तो हमारी गलती होगी। ऐसी सब बातें। लेकिन गुरुदेव कई बार कहा करते थे कि तुम लोगों का ऐसा है कि तुम्हें पसंद आए ऐसी वाणी, मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। बोले कुछ ऐसी तुम्हें बात बताऊं तुम्हारे हित के लिए, तुम्हें कड़वी लगती है तो थू थू कर देते हो, और तुम्हारे पसंद की बात हो तो मीठा मीठा गप गप कर जाते। कड़वी दवा कौन पिलाता है? माँ। सद्गुरुदेव मीठा तो सब बोलते हैं, अच्छा लगाने के लिए भी बोलते हैं, लेकिन कड़वी लेकिन हितेशी वाणी तो अपने सद्गुरुदेव भगवान ही कहेंगे। वो अपनी अध्यात्म माँ है ना, गुरु मावली है। तो ऐसे सद्गुरुदेव के कटु वचन भी, लेकिन है उसमें करुणा ही करुणा। वो कृपा सिंधु है ना, समुद्र कहीं से भी उसको चरणामृत लो खारा ही लगेगा। ऐसे सद्गुरुदेव भगवान कृपा के सागर है, कहीं से भी देखें उनके मार में भी प्यार है, उनके प्यार में भी प्यार।
अभी एक घटना इस पर से याद आ गई। हम जब पूना में थे सद्गुरुदेव भगवान के पास, तो राजकोट वाले रमणीक भाई बेडला वाले, वो भी सद्गुरुदेव भगवान की सेवा में थे। उनकी और मेरी ड्यूटी साथ साथ थी, मैं रमणीक भाई और वैष्णव दास जी महाराज, हमारा टाइम ड्यूटी का एक साथ था। तो एक बार सद्गुरुदेव भगवान को ऐसे ही लेटे रहते थे तो पीठ में छाले भी हो गए थे, तो वो कुछ क्योंकि अपने आप घूम फिर नहीं सकते थे, ऐसे उठा के एक जन चरणों का ध्यान रखें, एक जन मस्तक से तकिया वगैरह ठीक से रखें, एक जन कमर में से उठा के ऐसे करवट दिलाते थे। बहुत 8 महीने सद्गुरुदेव भगवान की ऐसी शारीरिक स्थिति उन्होंने रही। तो हम 3 जने ऐसे, तो बीच में से तो भाई लोग ही ठीक से उठा सकते हैं, मस्तक के पास तकिया वगैरह ठीक करते हैं, या तो चरण दो हड्डी हड्डी तो ऐसे टकरा जाती, तो बोले मेरे को बहुत दर्द होता है, तो चरण दो पकड़ के ऐसे व्यवस्थित रखने को प्रयास करते थे। तो वो ऐसे उठाने गए ना, तो कुछ पीठ में छाले में उनको घिस गया, दर्द हुआ, तो जोर से उनके हाथ पे 2-3 ऐसे थप्पड़ मार, क्या करते हो, बोले हटो यहाँ से। वो बेचारे कांप गए, एक तो दुख हुआ कि मेरे से सद्गुरुदेव भगवान को तकलीफ हो गई, और एक गुरुदेव ने ऐसे तो बहुत ही डर गए, आंखों में आंसू आ गए, फिर इतने घबराए कि पास भी नहीं आ पाते थे। फिर थोड़ी देर के बाद सद्गुरुदेव भगवान को व्हील चेयर में बिठा कर बाहर गार्डन में थोड़ा घुमाने के हेतु ले गए। तब बाहर बगीचे में एक बरांडा जैसा था, वहाँ पर थोड़ी देर बोले खुले में लेटाओ, खुली हवा आएगी। तो वहाँ लेटे हुए तो रमणीक भाई डरते हुए दूर दूर बैठे थे, मुस्कुराते हुए बोले रमणीक आओ इधर आओ, देखिए प्यार देखिए, करुणा के सागर है, अति कोमल रघुवीर स्वभाव, किसी को दुखी थोड़ी देख सकते हैं। गदगदित भाव से रमणीक आओ इधर आओ बोले। वो घबराते हुए पास में आए, बोले कि मुझे तुम्हारी बहुत चिंता है, बोले तुम्हारे चाचा ताऊ सब अलग अलग हो जाओगे, और तुम 2 भाई हो, तो बोले तुम दोनों ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हो, तो तुम क्या करोगे, बोले देखिए करुणा कैसे भरी है, प्यार लाड दुलार सद्गुरुदेव भगवान का, वो किस तरह से प्यार करते हैं, मार में भी प्यार है, प्यार में भी प्यार है। तो एक छेलू भाई अपने गुरु भाई रहे कलकत्ता वाले, फिर बाद में वो रायपुर रहते हैं, वो पास में बैठे थे, बोले भगवान आपने तो इसको ऐसे 2-3 ऐसे थप्पड़ जैसे हाथ पे मारा, ऐसे करके आपने तो इसके जन्म जन्म के पाप काट दिए, बोले हाँ अब मुझे इसकी चिंता नहीं है, बोले तो क्यों ऐसे करके भी क्या कर्म काट देते हैं, कैसी करुणा है वो, सद्गुरुदेव भगवान की करुणा ही करुणा है, हम जिस ओर से देखें। लेकिन अति संकोची स्वभाव सद्गुरुदेव भगवान का, चाहे उनको कितना कष्ट होता हो किसी को जाओ नहीं कह पाएंगे, किसी को अपने पास से उठाने, थके हुए हो लेटना हो कुछ जरूरी काम हो, अति संकोची स्वभाव। लेकिन यदि हम हठाग्रह दुराग्रह सत्याग्रह ऐसे करके उनको संकोच में डालें, अपना मनमाना कराने जाए, हम भी मनमाना करें, उनसे भी अपना मनमाना कराने जाए, सो सेवक साहिब ही संकोची निज हित चहे तासुमति पूर, तो मंद बुद्धि अपनी है, हम चुक जाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो राजी रहे उनके आदेश अनुसार, बहुत ही वातावरण यहाँ दिव्य बनता जा रहा है उनकी करुणा से। अपने गुरु भाई बहन अब सबकी उम्र भी हुई, सब समझने भी लगे,
तब बचपना भी सद्गुरुदेव भगवान को इतना निकट रहने से इतना कि सामने भी बोलने लग जाते थे, आज वो सब सद्गुरुदेव भगवान का स्वभाव याद आते। एक शूल मोहि बिसरन काऊं, गुरु कर कोमल शील स्वभाव। कैसे भी हम करें उनका कोमल शील स्वभाव हम पर से वो कभी नाराज नहीं हो। वो नाराज हो तो कहाँ जाए। बालक कुछ न करने का कर बैठे तो माँ थोड़ी नाराज हो जाती। कथा के सागर ऐसे समर्थ सद्गुरुदेव भगवान हमें मिले हैं तो अब हम जागे। जितना भी हमारे पास बाकी है जीवन, गई सो गई अब राख रही को, बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले। तो सद्गुरुदेव भगवान के आदेश अनुसार और भी अधिक से अधिक उनके चरण चिन्हों पर चलने का हम प्रयास करें और सब पर उनकी कृपा बरस ही रही है। विशेष विशेष सब कृपा पात्र उनके बनते रहें, ऐसी शुभकामनाओं के साथ आज के प्रसंग को विराम दे रही हूँ। सबको जय भगवान, जय सियाराम।